ऐसा क्रूअल इंसान मैं पहली बार देख रहा हूं। और उससे भी ज्यादा डेंजरस ये है कि अभी कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री एक के बाद एक फिल्म को लाकर बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचा रहे हैं, क्योंकि कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री हर फिल्म पैन इंडिया लेवल में ही देखने को मिल रही है। जिसे पता चलता है कि अभी आने वाले कन्नड़ की कोई भी फिल्म हो बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने वाला है। हम बात कर रहे हैं साउथ की सुपरस्टार ध्रुव सर्जा की मोस्ट अवेटेड फिल्म मार्टिन मूवी के बारे में। इस नाम को सुनकर कई दर्शकों ने बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ध्रुव सर्जा की फिल्म बोलने से लोग बड़े बेताब रहते हैं। इनका नाम बस काफी है, कोई भी फिल्म हो एक्शन एंड फाइट भरपूर देखने को मिलता है। अभी मार्टिन मूवी को लेकर लोग काफी एक्साइटेड में बने हुए हैं। वही बात करें अभी इस फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल कि आखिर हमें कब तक देखने को मिलने वाली है और इस फिल्म को रिलीज करेंगे या नहीं, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। बहुत दिन पहले मार्टिन मूवी का एक टीजर देखने को मिला था। इस टीजर में ध्रुव सर्जा एक हाई लेवल एक्शन में नजर आए थे और इस टीजर में ध्रुव सर्जा की फाइट भी काफी दमदार था। अभी मार्टिन मूवी को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। सबसे पहले हम बात करने वाले की इस फिल्म की स्टार कास्टिंग को लेकर क्या होने वाला है। बता दें मार्टिन फिल्म में हमें लीड रोल में ध्रुव सर्जा को ही देखने को मिलेंगे और इनके साथ फीमेल के रोल में वैभवी सांडलिया को देखने को मिलने वाली है। इनके अलावा फीमेल के एक्ट्रेस में सुकृता वागले, अनविशी जैन और मालविका अविनाश को भी देखने को मिलने वाले हैं। वही बात करें फिल्म में हमें विलन के रोल में निकितिन धीर जैसा सुपरस्टार ध्रुव सर्जा के अपोजिट में देखने को मिलने वाले हैं। फिल्म की कास्टिंग तो बहुत बड़े लेवल में है, अब देखना यह होगा कि फिल्म की स्टोरी कैसा होने वाली है। वही बात करें फिल्म की स्टोरी, यहाँ एक व्यक्ति की कहानी है जो अपराधियों और गैंगस्टर के खिलाफ खड़ा होता है और अच्छाई और कल्याण के लिए खड़ा होता है। मार्टिन जो 12 साल का है एक पुलिस अधिकारी को हत्या कर देता है जिसने मार्टिन के पिता का हत्या की थी। फिल्म की स्टोरी तो बहुत अच्छी होने वाली है। बात करें इस फिल्म को एपी अर्जुन डायरेक्शन में बनाया जा रहा है। ये फिल्म एक हाईली एक्शन के साथ पैन इंडिया में रिलीज करने वाले हैं, यानी इस फिल्म को कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, हिंदी सभी भाषाओं में देखने को मिलने वाली है। मार्टिन मूवी की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है पर मेकर्स की तरफ से कुछ ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है। इससे पहले इस फिल्म को 28 दिसंबर 2023 में रिलीज करने वाले थे पर कुछ VFX की वजह से फिल्म को पोस्टपोन कर दिए गए हैं। अभी दो गाने के ऊपर काम चल रही है, इसे बहुत ही जल्द खत्म कर लिया जाएगा और अब खबर निकल कर आ रहा है कि मार्टिन मूवी को फाइनली 2024 मार्च में हमें सिनेमाघरों में देखने को मिल जाएगा। अब ये तो आने वाला समय बताएगा कि फिल्म को इसी डेट में रिलीज करेंगे या नहीं। हो सकता है अगले साल जनवरी में इस फिल्म के एक ट्रेलर भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इस फिल्म को हाइप बनाने के लिए VFX और एक्शन भी एक हाई लेवल में बनाना होगा। अभी सलार फिल्म के लिए लोग इंतजार में है। ये फिल्म ध्रुव सर्जा करियर की सबसे बड़ी फिल्म होने जा रही है, अब देखना ये होगा आखिर इस फिल्म में ध्रुव सर्जा किस तरह एक्शन करने वाले हैं। इस फिल्म को देखने के लिए आप लोग कितना एक्साइटेड हो हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर लेना। इस तरह वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।